कर लाइव कर 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 लाइव कर लाइव चैट तक दूं क्या लगा सॉरी लाइव स्ट्रीम अच्छा नीम 2024 मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। यस गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा आवाज अगर क्लियर आ रहा होगा तो बस थम्स अप कर दो। यस हेलो हेलो चलो क्लियर नहीं है। क्लियर तो है साउंड। यस क्लियर है ओके चलो थैंक यू। चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोशन इन प्लेन स्टार्ट किया था। इसका सिनॉप्सिस खत्म करने के बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे इसके, तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके कुछ और क्वेश्चंस के साथ जो 2023 में आए थे और इंपॉर्टेंट थे। चलो देखो ये हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। देखो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग इस क्वेश्चन तक आ चुके थे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके। चलो आप सभी लोग आंसर करते चलना यहां पर, ठीक है। चलो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन आराम से पढ़ो। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन फिक्स आता है आपको, कभी कभी दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे वेटेज वैरी करता है, एक क्वेश्चन तो फिक्स आना ही है, दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे लॉज ऑफ मोशन जो अगला चैप्टर है उससे फिक्स है, एक ही क्वेश्चन आएगा उससे, ठीक है। चलो टू बॉडीज ए एंड बी, दो बॉडीज ए और बी जो सेम पॉइंट से सेम इंस्टेंट से स्टार्ट कर रहे हैं मोशन, मूव अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। बॉडी ए मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, बॉडी बी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी। मतलब दो अलग अलग बॉडीज है ना। देखो ये अगर स्टार्ट लाइन मान लिया, ये ए बॉडी ये बी बॉडी। अभी उन्होंने क्या बोला है, ए बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव हो रही है और बी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव हो रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जब कॉन्स्टेंट होता है उसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं और फिर उसके बाद एक्सेलरेशन जीरो होता है। क्लियर। देन आगे क्या बोल रहा है, दे मीट आफ्टर टाइम टी, द वैल्यू ऑफ टी इज, वो टी टाइम के बाद मीट करते। और जब भी क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं दिया होता है ना, तो तब हम लोग उसे जीरो मानते हैं इनिशियल वेलोसिटी को। क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं इनिशियल वेलोसिटी को। अभी मुझे बताओ यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी नहीं बोला है तो कितना जीरो। ए बॉडी के लिए ए बॉडी के लिए पार्ट सॉल्व कीजिए, दोनों क्या सेम टाइम पर मिल रहे हैं ना, तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां पर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन हमें यूज करना पड़ेगा। ए बॉडी के लिए u का वैल्यू जीरो है तो ये वाला टर्म जीरो, s इक्वल टू रहेगा हाफ ए टी स्क्वायर, बस इतना ही बचेगा। देन क्या फाइंड करना है हमें, हमें फाइंड करना है टाइम t, तो इसे ऐसे ही रखो, इक्वेशन नंबर वन देके छोड़ दो, ठीक है। देन b बॉडी के लिए जब सॉल्व करेंगे सेम इक्वेशन यूज करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बट यहाँ पर एस तो ऐसी रहेगा, यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, यू का वैल्यू यहाँ पर वी, वी वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है तो वी टी हो जाएगा और ये ए जीरो, क्यों यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल रहा है ना,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या, एक्सेलरेशन जीरो, क्लियर है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन जीरो। तो चलो ये इक्वेशन नंबर टू हो गया, इक्वेट कर दो, बात खत्म। इक्वेशन वन और टू को इक्वेट कर दो, इक्वेशन वन था हाफ ए टी स्क्वेयर, इक्वेशन टू था वी टी, ये टी से एक टी कैंसल, आपको टी ही तो चाहिए, तो यहां पे रहेगा ए टी बाय टू इज इक्वल टू वी, तो आपको टाइम मिल जाएगा टू वी डिवाइडेड बाय ए। देखो ऑप्शंस वी और ए के टर्म्स में दिख रहे थे, मिल रहा है क्या आंसर, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमें, ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलो क्लियर हुआ, क्लियर हुआ होगा तो थम्स अप करो जल्दी से। यस, जो भी ए ऑप्शन बोले है वेरी गुड, करेक्ट। चलो बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं अभी हम लोग। देखो आराम से पढ़िए क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइप के क्वेश्चन तो सबसे इजी होते हैं। आइए इस क्वेश्चन पर देखते हैं। स्टोन इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद वेलोसिटी यू। एक स्टोन था, प्रोजेक्ट किया यू वेलोसिटी से, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया। इफ इट एग्जीक्यूट्स नियरली सर्कुलर मोशन एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट, मतलब ये ऐसा जाएगा, और उसने क्या कहा कि वो मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है प्रोजेक्टाइल में, ये होता है इस मैक्सिमम पॉइंट पर वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगेगा। देन द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ विल बी, सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना होगा ये उसका कहना है, ये वो पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे हम लोग, मुझे बताओ, जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है, मैंने ये लास्ट लेक्चर में बताया है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, तीन फॉर्मूले हैं, एक होता है वी स्क्वायर बाय आर, एक होता है आर ओमेगा स्क्वायर, और एक होता है वी ओमेगा। चलो ये हो गया v ओमेगा, क्लियर। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यों पता है क्या, वो हमें क्या फाइंड करने बोल रहा है, रेडियस सर्कुलर पाथ का, तो इसमें रेडियस आता है इसमें नहीं आता है तो ये नहीं लेंगे। और ये क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जब पार्टिकल टॉप पे जा रहा है तो उसके पास एक ही वेलोसिटी होता है जिसे हम लोग वी एक्स कहो, जो होता है यू कॉस थीटा। कैसे पता चला, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता, ये हो जाता है यू कॉस थीटा और ये हो जाता है यू साइन थीटा, क्लियर, कोई डाउट नहीं आता। तो बस यहाँ पे पुट कर दो ए, एक्सेलरेशन ए, आपको क्या रेडियस चाहिए ना, तो क्या करोगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, वी मतलब यू एक्स यू कॉस थीटा, सॉरी वी मतलब क्या यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। और मुझे बताओ ए मतलब क्या, एक्सेलरेशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ एक एक्सेलरेशन होता है, पार्टिकल कहीं भी रहने दो, एक एक्सेलरेशन होता है जिसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे ए के जगह पे पुट कर दो जी, इज इक्वल टू आपको मिलेगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आर, और आर चाहिए तो आर हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी। बस इतना इजी क्वेश्चन आया था, और बच्चे प्रोजेक्टाइल मोशन से डरते हैं, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी इज करेक्ट, क्लियर हुआ। क्लियर हुआ क्या, क्लियर? चलो वेरी गुड, बी ऑप्शन जिन्होंने भी बोला था वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्या बोला है अगले क्वेश्चन में, देखो, अ पार्टिकल मूव्स अराउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड वी आफ्टर मूविंग हाफ द सर्कल, आफ्टर मूविंग हाफ द सर्कल द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा पार्टिकल का, एवरेज एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है पता है, एवरेज एक्सेलरेशन मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यार सबसे पहले तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चलो हाफ सर्कल कवर कर रहा है, इसका सिंपल सा मीनिंग है
मान लो मेरा पार्टिकल यहां पर था तो उसका वेलोसिटी इधर होता है वी, और हाफ सर्कल कवर किया मतलब यहां से यहां तक आया, यहां पर आने के बाद उसका वेलोसिटी रहेगा नीचे वी, करेक्ट है। अभी कैसे सॉल्व करेंगे, डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, करेक्ट है। मुझे बताओ अगर यहां से स्टार्ट करो या यहां से स्टार्ट करो, ये मैंने इनिशियल कंडीशन लिया और ये मैंने फाइनल कंडीशन लिया, याद रखना वेलोसिटी का साइन कन्वेंशन कैसे होता है, अपवर्ड अगर है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, डाउनवर्ड अगर है तो वेलोसिटी नेगेटिव। तो हमारा इनिशियल फाइनल, फाइनल वेलोसिटी माइनस भी आएगा, इनिशियल वेलोसिटी माइनस भी, ये माइनस फॉर्मूले वाला माइनस 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 टू भी, हमें ऑप्शंस में कहीं माइनस नहीं दिख रहा है तो हम लोग इसमें वेलोसिटी का मॉड ले लेंगे डेल्टा वी, ये हो जाएगा टू वी। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, टाइम चाहिए ना यार, ऑप्शंस में टाइम नहीं मिल रहा है, ऑप्शंस में टाइम नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे फिर। अभी ये एक पता है हमें, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यार कितना टाइम लग रहा है, कितना डिस्टेंस चल रहा है मुझे बताओ, अगर पूरा चलता तो टू पाई आर होता, आधा चल रहा है तो पाई आर हुआ, रेडियस क्या बोला है सर्कल की आर, स्मॉल आर, तो पाई आर डिस्टेंस वेलोसिटी वी, पुट कर दो, ये पुट कर दोगे आप तो एवरेज एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा इजिली, एवरेज एक्सेलरेशन विल बी डेल्टा वी, कितना है डेल्टा वी, ये टू वी मॉड लेंगे, और टाइम कितना लग रहा है, पाई आर डिवाइडेड बाय वी लग रहा है, तो ये वी ऊपर चला जाएगा, टू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पाई आर, टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर, टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर मीन्स ऑप्शन नंबर सी। चलो क्लियर हुआ, बड़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है देखो इस क्वेश्चन में, ध्यान देना है अभी, देयर इज अ होल ऑफ एरिया ए एट द बॉटम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। मान लो कि ऐसा सिलेंड्रिकल एक वेसल था आपके पास, उसके बॉटम में एक होल है, मान लो ये बॉटम में होल है, वॉटर इज फिल्ड अप टू हाइट एच एंड वॉटर फ्लोज इन इन टी सेकेंड्स, ठीक है, मान लो इसमें वॉटर कितने एच हाइट तक फ्लो किया है और जो पानी है वो टी सेकेंड में निकल जा रहा है पूरा, देन यही वॉटर 4h तक फिल कर दिया, यही वॉटर 4h हाइट तक फिल कर दिया, मान लो ये हाइट कितना था 4h था, और ये वॉटर फ्लो हो रहा है बाहर सेकेंड में, इसके लिए कितना टाइम लगेगा, मान लो टी डैश कहा मैंने, ये टी डैश आपको निकालना है, जब भी क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बार ऑप्शंस देखो टी के टर्म्स में, मतलब पहले वाला जो टाइम लग रहा है ना उसे खाली होने में टाइम उसके टर्म्स में, तो हमें पहले तो इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो आप लोग। देन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है पानी खुद ब खुद आ रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, और दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज ये होती है एक्सेलरेशन जो होता है ना वो जी होता है, क्योंकि पानी जो बाहर आ रहा है वो ग्रेविटी की वजह से आ रहा है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो पहला केस एस का वैल्यू एच है, एच इक्वल्स टू यू तो जीरो है, तो ये आएगा हाफ जी टी स्क्वेयर, ओके। सेकेंड केस में ले लो एस का वैल्यू है 4h इज इक्वल्स टू यू जीरो है, यहाँ पे हो जाएगा हाफ जी टी डैश का स्क्वेयर, यही टी डैश तो मुझे निकालना है, कैसे निकलेगा कैसे निकलेगा कैसे निकलेगा, ध्यान दो एच का वैल्यू हाफ जी टी स्क्वायर इधर पुट कर दो, ये हो जाएगा 4 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी इंटू टी डैश का स्क्वायर, भाई ये हाफ जी कैंसल, इधर बचा टी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टी स्क्वायर, आपको टी डैश ही तो चाहिए, स्क्वायर रूट ले लो 4 का रूट 2 और ये टी स्क्वायर का रूट टी, 2t मतलब डबल टाइम लगेगा, डबल हाइट अगर 4 टाइम्स कर दिया जाए तो टाइम डबल लगेगा, ये उसका सिंपल मीनिंग है। भाई जल्दी से वीडियो को लाइक करो, लाइक नहीं कर रहे बच्चे वीडियो को, चलो क्लियर हुआ क्या,
ये कौन है यार, ब्लॉक करो यार इसको। चलो ध्यान दो यहां पर, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोला है क्वेश्चन में, अ पर्सन थ्रोज अ बॉल इनटू एयर आफ्टर एवरी सेकंड। मतलब एवरी सेकंड का मतलब क्या है पता है क्या? क्वेश्चन आराम से पढ़ो। एवरी सेकंड मतलब हर एक सेकंड में, मतलब टी का वैल्यू एक सेकंड, हर एक सेकंड में एक एक बॉल थ्रो कर रहा है। द नेक्स्ट बॉल इज थ्रोन व्हेन द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज जीरो। अगला बॉल कब थ्रो किया जा रहा है? जब पहले बॉल का वेलोसिटी जीरो है, ठीक है? मतलब ये यहां पर फर्स्ट बॉल था, ये ऊपर थ्रो किया जा रहा है, ये ऊपर जाएगा फिर ऐसे नीचे आएगा। ये एक पोजीशन है जहां पर इस बॉल का वेलोसिटी जीरो हो जाता है, ये हमें पता है। मान लो ये पेन है, इस पेन को मैं थ्रो कर रहा हूं ऊपर, तो एक पॉइंट ऊपर जाने के बाद जहां उसका वेलोसिटी जीरो हो रहा है, तो बस वही तक। मतलब ये कितना टाइम लग रहा है इसके लिए? एक सेकेंड लग रहा है। एक सेकेंड कैसे पता चला? बोला है क्वेश्चन में एवरी सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड के बाद फेंक रहा है वो बॉल, तो मतलब टाइम तो एक सेकेंड है। द नेक्स्ट बॉल इज थ्रोन व्हेन द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज जीरो। हाउ हाई डज द बॉल राइज अबव हिज हैंड। इसके हाथ के ऊपर कितना बॉल राइज करेगा ये उसको पूछना है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, यहाँ पे भाई इनिशियल वेलोसिटी जीरो ले लोगे तो फिर वो जाएगा ही कैसे ऊपर, ठीक है? जाएगा ही कैसे ऊपर, क्लियर? तो देखो सबसे पहले दो बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है वो हमें निकालना पड़ेगा। क्यू बताता हूं, वी तो जीरो है, फिर इनिशियल वेलोसिटी जीरो निकाल लिया तो एच निकालना है ना हमें, तो एच निकालने के लिए सेकेंड इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू पता रहेगा, टी पता है, ए का वैल्यू हम लोग 10 पुट कर देंगे डायरेक्ट तो हमें मिल जाएगा, या फिर हमारे पास थर्ड इक्वेशन भी होगा। तो चलो पहले तो फर्स्ट इक्वेशन वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी कितना है? जीरो। यू का वैल्यू कितना है? यू का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, नहीं दिया है। प्लस ए के जगह माइनस जी लिखते हैं हम लोग। माइनस जी क्यों लिखते हैं पता है? साइन कन्वेंशन बताए थे लास्ट लेक्चर में, जब भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो माइनस लेते हैं। तो ये हो जाएगा यू इज इक्वल टू जी टी, माइनस जी टी इधर आएगा तो प्लस जी टी। जी का वैल्यू 10, टी का वैल्यू 1, सो यू आपको मिला 10 मीटर पर सेकेंड। खत्म। आपको एस चाहिए ना, एस, तो एस इक्वल टू क्या हो जाता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे जाओ या थर्ड इक्वेशन से जाओ, आंसर एक ही आना है। एस मतलब यू कितना 10, टी मतलब 1 प्लस हाफ, जी मतलब माइनस 10 और टी मतलब 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5, 10 माइनस 5, 5 मीटर। सो 5 मीटर इज योर करेक्ट आंसर, 5 मीटर इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर क्या? थर्ड इक्वेशन से सॉल्व करके दिखाता हूं। चलो कोई बोल रहा है थर्ड इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। चलो भाई थर्ड से सॉल्व करते हैं। वी जीरो है, यू मतलब 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मतलब माइनस 10 इंटू एस, तो मेरे भाई ये 100 हो जाएगा और ये इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में 10 इंटू 2 20 इज इक्वल टू एस मिलेगा, तो एस आएगा आपका 5 मीटर। भाई ऐसे खाओ या वैसे खाओ, बात एक ही, आंसर वही आ रहा है आपका। क्लियर? क्लियर हुआ क्या? अरे भाई ध्यान दो यार इधर। चलो आगे बढ़ो। देखो भाई किधर गया, किधर गया? हाँ देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे। अ वेसल कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर हैज होल्स ए एंड बी एट डेप्थ एच एंड 3h फ्रॉम द टॉप रिस्पेक्टिवली। मतलब एक वेसल है पूरा भरा हुआ है, कंप्लीटली फिल्ड बोल रहा है, अच्छा पूरा भरा हुआ है, तो इसमें दो होल्स है, एक होल ए और एक होल बी। एक होल ए h हाइट पर है और एक होल बी 3h हाइट पर है, ठीक है? इस होल को नाम दे दो ए, और इस ए होल और बी होल
होल ए स्क्वायर, अच्छा ये स्क्वायर होल है, यहाँ पे कैसे भी दिखो आपको ये स्क्वायर होल है, ठीक है स्क्वायर बना देते हैं इसको चलो ताकि आपको फील आए उसका, ये स्क्वायर होल है, देन बी होल जो है वो सर्कुलर होल है, बोला है क्वेश्चन में बी सर्कल ऑफ रेडियस आर, ये सर्कुलर होल है, क्या बोल रहा है फिर आगे, द वॉटर फ्लोइंग आउट पर सेकेंड फ्रॉम बोथ द होल्स इज सेम, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फ्लूड का यूज होगा जो कि 12th का चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड पढ़ा रखा है मैंने, वाटर फ्लोइंग आउट पर सेकेंड मतलब क्या, वाटर फ्लोइंग आउट पर सेकेंड मतलब क्या, जब भी लेक्चर लेता हो ना टॉपर्स बैच हो या कोई भी बैच हो आप लोगों को एक चीज बता रखा है मैंने कि जितना लिक्विड अंदर है मतलब जितना लिक्विड आ रहा है उतना ही लिक्विड बाहर निकल रहा है, तो समझ जाना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज होता है, बस ये भी वही कॉन्सेप्ट है ठीक है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या जितना आ रहा है उतना बाहर निकल रहा है, ये जितना लिक्विड भर रहा है इसमें उतना ही तो लिक्विड बाहर निकलेगा, एक्स्ट्रा कहां से आएगा, क्लियर, तो देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज कर लो, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, अच्छा अभी यहां पे ए को वन बोल दो बी को टू बोल दो, प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी, वेलोसिटी जो होल से पानी बाहर निकलेगा उसे हम लोग इफ्लक्स वेलोसिटी कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हम लोग इफ्लक्स वेलोसिटी कहते हैं हम लोग उसे, इफ्लक्स वेलोसिटी, ओके तो ये इफ्लक्स वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट टू जी एच, तो ये एच मतलब जहां पर होल किया गया है उसके ऊपर का हाइट, इस क्वेश्चन को आराम से इसलिए बता रहा हूं दो चैप्टर का कॉन्सेप्ट मिक्स है और उसमें भी फ्लूड्स के दो कॉन्सेप्ट है, एक कंटिन्यूटी वाला है और एक इफ्लक्स वेलोसिटी वाला है, तो फर्स्ट केस में इफ्लक्स वेलोसिटी आ जाएगा आपका वीई वन इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच, सेकेंड केस में अंडर रूट टू जी एच नहीं आएगा, सेकेंड केस में आएगा अंडर रूट टू जी इन ब्रैकेट थ्री एच, थ्री एच क्यों आया क्योंकि ये हाइट थ्री एच था, समझ में आया, तो इफ्लक्स वेलोसिटी एट सेकेंड आउटलेट इज इक्वल्स टू थ्री इंटू टू सिक्स जी एच, मिल गया वी वन वी टू, ए वन ए टू कैसे निकलेगा, ए वन मतलब क्या है, एल निकालना है हमें, वो बात अलग है हम लोग देखेंगे, ए मतलब स्क्वेयर होल है तो ये एल स्क्वेयर आ जाएगा, ए टू मतलब सर्कुलर होल है तो वो पाए आर स्क्वेयर आ जाएगा, ये एरिया तो फॉर्मूलाज हमें पता है ऑब्वियसली, तो पुट कर दो एल, ए वन मतलब एल स्क्वेयर, कोई डाउट तो नहीं है, ओके वेरी गुड, ए वन मतलब एल का स्क्वेयर, वी वन मतलब क्या, अंडर रूट टू जी एच, अभी ध्यान देना कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूं, कैंसल आउट कैसे कर रहा हूं, ए टू मतलब पाई आर स्क्वेयर और यहां पे वी टू चाहिए, वी टू मतलब हो जाएगा अंडर रूट सिक्स जी एच, अभी मेरे भाई ये रूट जी एच और ये रूट जी एच कैंसल, इधर क्या बचा एल स्क्वेयर, इधर बचा पाई आर स्क्वेयर अंडर रूट सिक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू, वन जा टू थ्री जा सिक्स, टू वन जा टू टू थ्री जा सिक्स, एल स्क्वेयर कितना मिला पाई आर स्क्वेयर अंडर रूट थ्री, चलो कुछ मिल रहा है L चाहिए यार L, तो चलो इसे और सिंप्लीफाई कर दो, पाई आर स्क्वायर थ्री का रूट मतलब पावर वन बाय टू हो जाता है और ये L स्क्वायर, अभी L चाहिए इधर रूट ले लो, रूट मतलब क्या होता है बेटा, रूट मतलब होता है पावर वन बाय टू, तो ये हो जाएगा पाई का पावर वन बाय टू, आर का स्क्वायर था तो उसका रूट आर आएगा, थ्री का पावर ऑलरेडी वन बाय टू था और वन बाय टू एड हो गया तो वन बाय फोर, मतलब सिंपली पाई का पावर वन बाय टू चाहिए, अच्छा आर अकेला चाहिए नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं आएगा, आर अकेला पाई का पावर वन बाय टू थ्री का पावर वन बाय फोर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, चलो देखते कितने लोगों ने आंसर किया था ऑप्शन नंबर सी, कितने लोगों ने आंसर किया था ऑप्शन नंबर सी, जल्दी से बताओ, वीडियो को लाइक करो, लाइक करो जल्दी से वीडियो को, चलो बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इस चैप्टर के क्वेश्चंस अच्छे अच्छे आते हैं इसलिए थोड़े आराम से सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो कोई भी स्टेप में, ठीक है चलो देखो, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर टू ऑफ हाइट एच, मान लो कि ये टावर था मेरा, ये टावर का हाइट कितना है एच हाइट है इस टावर का, ठीक है,
इट टेक्स टाइम टी टू रीच द ग्राउंड, मतलब यहां से अगर आप उसे क्या करो, ड्रॉप करो, ड्रॉप, ये वर्ड मैंने बोला ड्रॉप मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो इसको कैपिटल टी टाइम लगता है पूरा नीचे आने के लिए। द पोजिशन ऑफ बॉल आफ्टर टी बाई थ्री सेकेंड्स, टी बाई थ्री सेकेंड्स के बाद उस बॉल की पोजिशन क्या होगी फ्रॉम द ग्राउंड, मुझे बताओ पूरा हाइट कितना है, एच है, तो पहले तो फाइंड कर लो एस इक्वल्स टू क्या होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। अरे भाई यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर में एस मतलब एच है, यू तो जीरो है इसके लिए, हाफ ए मतलब जी और टी मतलब कैपिटल टी लग रहा है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल एच, पूरा एच का वैल्यू। मान लेते कि वो टी बाय थ्री टाइम तक, हाँ टी बाय थ्री टाइम तक वो यहां पर आ चुका है, यहां तक उसका हाइट कितना है एच डैश मान लिया मैंने, तो ये डिस्टेंस निकालना होगा ना आपको, तो एच जो रहेगा उसमें से एच डैश माइनस कर देना, बात खत्म, समझ में आया। तो चलो ना सेकेंड वाला केस, एच डैश इज इक्वल्स टू यू तो जीरो है, हाफ ए इंटू टी बाई थ्री का स्क्वायर हो जाएगा। मुझे बताओ ए इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री का स्क्वायर नाइन और टू, नाइन इंटू टू एटीन, या आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, ये जो एच मिल रहा है ना आपको उसके टर्म्स में लिखने का ट्राई करो इसे, हाफ ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय नाइन, क्लियर। अभी मुझे बताओ मेरे भाई ये हाफ ए इंटू टी स्क्वायर मतलब क्या है, सर वो तो एच है, मतलब एच डैश कितना कवर हुआ है पता है क्या, एच बाय नाइन, टोटल हाइट के वन बाय नाइन ही कवर हुआ है, तो ये एच डैश आया आपका एच बाय नाइन, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, एच माइनस एच बाय नाइन, सो इट विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नाइन माइनस वन 8x डिवाइडेड बाय 9, जी नहीं लिखना है, जी गलती से आ गया भाई साहब, हाँ ये आ जाएगा 8x डिवाइडेड बाय 9, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, वेरी गुड, डी ऑप्शन बता रहे थे, वेरी गुड गणेश, वेरी गुड मयूरी, अनुराधा करेक्ट, राज करेक्ट, मदन करेक्ट, रोशनी, आयुष, वेरी गुड वेरी गुड, मीना, जीवन, ऋतुजा, निकिता, नेहा, सानिका, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही बने रहिए यार, जबरदस्त, बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगे एग्जाम में, बने रहिए ऐसे ही, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मजा आ रहा होगा आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं अभी हम लोग, क्या बोला है अगले क्वेश्चन में, अ पार्टिकल कवर्स 50 मीटर डिस्टेंस व्हेन प्रोजेक्टेड विथ सम इनिशियल स्पीड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक पार्टिकल 50 मीटर कवर करता है ठीक है, जब हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जाए, व्हेन दिस पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद डबल द इनिशियल स्पीड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इज, मतलब पहले मान लो स्पीड यू था, फिर उसका स्पीड 2u कर दिया, तो उसने बोला कि कितना डिस्टेंस कवर किया बताओ मेरे भाई, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कांस्टेंट बोल रहा है, मतलब इधर एंगल थीटा था तो इधर भी एंगल थीटा था, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कुछ थीटा पर प्रोजेक्ट हो रहा है, मतलब ये प्रोजेक्टाइल वाला कॉन्सेप्ट है, और हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब हमारा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहलाता है, करेक्ट, क्या कहलाता है, क्या कहते हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वेयर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी, तो इसमें जो डिस्टेंस कवर हो रहा है इसे मैं आर वन कहूंगा और आर टू हमें फाइंड करना है, तो रेशियो ले लो आर वन आर टू का, बहुत इजी जाएगा क्वेश्चन, आर टू डिवाइडेड बाय आर वन इट विल बी इक्वल टू यू टू स्क्वेयर साइन टू थीटा, थीटा सेम है इसलिए थीटा वन थीटा टू नहीं ले रहा हूं, डिवाइडेड बाय यू वन स्क्वेयर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी, तो ये जी साइन टू थीटा कैंसल, आर टू डिवाइडेड बाय आर वन कितना है 50 मीटर चल रहा है, यू टू कितना है, यू टू टू टाइम्स कर दिया है उसने, डबल कर दिया है वेलोसिटी, टू यू का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय यू स्क्वेयर, तो यार ये हो जाएगा फोर यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय यू स्क्वेयर कैंसल, आर टू इज इक्वल टू आपको सिंपली मिला फोर मल्टीप्लाइड बाय 50, सो इट विल बी इक्वल टू 200 मीटर्स,
तो ये हो गया 200 मीटर्स मिनट, ऑप्शन नंबर बी। चलो देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया था, डी नहीं है बेटा ओंकार, चेक करो एक बार, डी नहीं आ रहा है, प्लीज चेक करो एक बार। यस, बी ऑप्शन आ रहा है, बहुत बच्चों ने बी आंसर किया भी था, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, आपके इस क्वेश्चन से ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर दूंगा, बस ध्यान दीजिए आप, ठीक है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। एक एक चीज डिस्कस करेंगे, पहले मैं क्वेश्चन के ऑप्शन ही नहीं रीड कर रहा हूं, आपको पहले कॉन्सेप्ट बताने का ट्राई कर रहा हूं। फॉर्मूले क्लियर नहीं है, केएस फॉर्मूले क्लियर कर लेना, एक बार लेक्चर देख लो पहले, फिर फॉर्मूला क्लियर कर लेना, ठीक है। चलो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है ना, पार्टिकल में टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होने के कारण टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो आता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो आता है उसके कारण, इसमें कोई डाउट नहीं। चलो ये एक चीज हो गया, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी जीरो नहीं होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस की बात कर रहा हूं। देखो तो अभी देखो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू रेडियस वेक्टर, कभी नहीं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल यूसीएम के केस में परपेंडिकुलर रहेगी रेडियस वेक्टर को। अलग अलग पोजीशंस लेकर बता सकता हूं आपको, प्रूफ कर सकता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मान लो यहां पर था, इधर वेलोसिटी रहेगा और ये पोजीशन वेक्टर दिखाएगा, भाई परपेंडिकुलर है, यहां पर ये वेलोसिटी रहेगा, ये पोजीशन वेक्टर रहेगा, भाई परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अच्छा गलत है, सॉरी पैरेलल बोल रहा है ना, बताया करेक्ट मैंने आपको, ये गलत है, हमें करेक्ट वाला चाहिए। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल रिमेन सेम, क्यों, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कभी सेम नहीं होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या कैसा भी हो। इस पॉइंट पर एसी तो एक्ट करेगा, एसी इधर एक्ट करेगा, इस पॉइंट पर आ जा, इस पॉइंट पर एसी इधर एक्ट करेगा, मतलब हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन का, ये स्टेटमेंट भी गलत है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कीप्स चेंजिंग एज द पार्टिकल मूव्स, भाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कीप्स चेंजिंग, क्यों चेंज होगा मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्यों चेंज होगा, नहीं होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, बोला ना मैंने वेलोसिटी का मॉड कांस्टेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। और ये सॉल्व करते करते मुझे आंसर भी मिल चुका है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये पहले के तीन ऑप्शंस गलत है। क्या बोल रहा है अभी देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मेरे भाई मैग्नीट्यूड के लिए एक्सेलरेशन खुद जीरो है, ये एटी। देन एसी क्या होता है, एसी का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर, आर चेंज नहीं होगा, वी भी चेंज नहीं होगा, तो मॉड तो कांस्टेंट है ना इसका, ऑब्वियसली मॉड कांस्टेंट है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये करेक्ट है, डी ऑप्शन। क्लियर हो गया होगा तो थम्स अप करो यार, मजा आ रहा है क्या लेक्चर में। चलो आगे बढ़ते हैं। When a clock shows a time of 4 o'clock, घड़ी में 4 बजे, भाई कैसे, पहले घड़ी निकाल लो, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बज गए, बजे नहीं अभी, 4 बजे हमें, क्वेश्चन में बोल रहा है ना 4 बजे, 4 तो ऐसे बजते हैं सर, हाँ आराम से देखना क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी पीडीएफ नहीं आती है ऐप पर, मैं टेक्निकल टीम से बात करता हूं, इसकी पीडीएफ आ जाती है यार ऐप के ऊपर।
थोड़ा नहीं समझा वापस देख लीजिएगा, ठीक है? इजी था कॉन्सेप्ट, ठीक है? कॉन्सेप्ट इजी था, नहीं भी समझा है ना, थोड़ा सा था। ये मैं कल भी बताया हूँ लेक्चर में, कल मतलब लास्ट लेक्चर में। चलो आगे बढ़ो, ध्यान दो इसके ऊपर। अभी क्या बोला है फिर आगे, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ आर हैंड विथ रिस्पेक्ट टू मिनट हैंड। मुझे बताओ ये कौन सा हाथ होता है, ये आर आर हैंड होता है, और ये वाला मिनट हैंड होता है। इनमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब सिंपली एंगल निकालने बोला है। अरे बहुत इजी है, एंगल निकालना है ना, यहां तक का एंगल, 3 बजे तक का एंगल तो 90 डिग्री था, तो आपको पाई के टर्म्स में तो ये पाई बाय 2 प्लस कुछ करना पड़ेगा, ये वाला वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। मुझे बताओ 1 2 3 3 आर्स के लिए एंगल पाई बाय 2 है, 3 आर्स के लिए एंगल पाई बाय 2 है, तो 1 आर के लिए एंगल कितना, 1 आर के लिए एंगल कितना, तो इसे एक्स कह दो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3x इक्वल्स टू पाई बाय 2 हो जाएगा, तो ये x इक्वल्स टू आएगा पाई बाय 6। ये ऐसे देखो, या 3 घंटे के लिए 90 डिग्री एंगल, तो 1 घंटे के लिए कितना, 30 डिग्री एंगल, 1 घंटे के लिए 30 डिग्री, तो ये पाई बाय 2 प्लस 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6। ऐड कर दो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 पाई प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो जाएगा 8 पाई डिवाइडेड बाय 12, 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 12, 2 पाई बाय 3, इट मींस इट इज सिंपली 120 डिग्री। भाई मुझे नहीं पता चल रहा है क्या, ये 90 और ये 30, 120 डिग्री हो रहा था। तो आपको अगर डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन अच्छे से आता है ना, तो बस पढ़ के ही आंसर कर दोगे आप 2 पाई बाय 3 रेडियन। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं, अभी अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्या बोला है अगले क्वेश्चन में, अ व्हील ऑफ रेडियस आर मीटर रोल्स हाफ अ रिवॉल्यूशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड इज। बहुत सिंपल है, ये ग्राउंड था आपका, यहां पर ये सब व्हील था, मान लो इस व्हील का पॉइंट ए था जो ग्राउंड के टच में था। इसमें ट्रिक्स वगैरह भी आ रहे हैं, ठीक है? तो ध्यान दो, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमने के बाद वो कितना घुमा, हाफ रिवॉल्यूशन घुमा, क्वेश्चन में ही कहा हाफ घुमा, तो ए पहले नीचे था तो अभी ये ऊपर आएगा मेरे भाई। और इसका रेडियस कितना बोला है, आर है, आर रेडियस है, तो उसने कहा है डिस्प्लेसमेंट निकालो ये पॉइंट्स के बीच का, जो रेड लाइन निकाला है ना, रेड मार्क दिख रहा है आपको, वो निकालना है हमें। वो निकालना बहुत ज्यादा सिंपल होता है, कैसे पता है क्या, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, बस हमें ये डिस्टेंसेस पता हो जाए एक बार, ठीक है? ये डिस्टेंसेस पता हो जाए, इसे डिस्प्लेसमेंट को मान लो मैं एस कहता हूं, जो हमें निकालना है। मुझे बताओ इसका रेडियस कितना था, ये आर था और ये आर था, रेडियस है ना, तो ये 2R हो गया पूरा डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होगा, आधा ही चक्का घुमा है ना, अगर टायर पूरा घूमता, इफ टायर रोटेट्स कंप्लीटली, यहां पे लिख रहा हूं, इफ टायर रोटेट्स कंप्लीटली then point A will move 2 pi r, पूरा घूमता तो आधा घुमा है तो उसके आधा pi r, बस बात खत्म। अभी पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, क्लियर हो गया? फिर पाइथागोरस थ्योरम s square is equals to pi r का square plus 2 r का square, पाइथागोरस लगाया, s square is equals to आपको क्या मिलेगा options में, ठीक है, pi square आर स्क्वेयर प्लस 4R² रूट ले लीजिए इनका, s इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वेयर, कॉमन ले लो, पाई स्क्वेयर प्लस 4 बचा है, आर स्क्वेयर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा r अंडर रूट पाई स्क्वेयर प्लस 4 मीटर्स, r बाहर आ जाएगा पाई स्क्वेयर प्लस 4 मीटर्स। अच्छा इधर r स्मॉल r बोला है, ऑप्शंस में कैपिटल r लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट वही है, आंसर सही है हमारा। क्लियर हुआ?
कुणाल गुप्ता, इस चैप्टर के ये नोट्स आपको पीडीएफ के ऐप पर मिल जाएंगे, पीजीएमएन ऐप पर, ऐप डाउनलोड कीजिए पीजीएमएन, उसमें स्टडी मटेरियल में जाइए, स्टडी मटेरियल में जाने के बाद आपको पीडीएफ के लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है देखो अगले क्वेश्चन में, द रिलेटिव एंगुलर स्पीड ऑफ आर हैंड एंड सेकेंड हैंड। रिलेटिव एंगुलर स्पीड, जब भी वर्ड आता है ना रिलेटिव एंगुलर स्पीड, रिलेटिव वर्ड आता है मतलब दो ऑब्जेक्ट्स की स्पीड रिलेट करो सिंपली। ये ऐसे क्यों लिखा है पता है, बहुत बच्चों को लगेगा ये ऐसा क्या लिख रहे हैं सर, समझना चाहिए, मेन कॉन्सेप्ट वही है। आप हिंदी में कॉन्सेप्ट याद रखो, इंग्लिश में रखो, मराठी में रखो, मार्क्स मैटर करते हैं, ठीक है। चलो तो रिलेटिव किसका किसका चाहिए, आर हैंड एंड सेकेंड हैंड का। यार ये ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2π/T। ये हम लोग इस चैप्टर में भी पढ़ते हैं, रोटेशनल डायनामिक्स में भी पढ़ते हैं, क्लियर हुआ क्या। तो देखो पहले आर हैंड के लिए लिखो, आर हैंड के लिए 2π/T होता है, तो टाइम पीरियड कितना है आर हैंड का, टाइम पीरियड मतलब क्या पता है क्या, एक बार पूरा घूमने में कितना टाइम लग रहा है, यूनिट सेम लो आंसर मिल जाएगा आपको, 2π/ टाइम पीरियड ऑफ आर हैंड। आर हैंड वापस पूरा एक बार घूम के आने में कितने लगते हैं उसे, 12 आवर्स लगते हैं, 12 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करो, कर दिया, अभी उसी को सेकेंड में कन्वर्ट करो, कर दिया, क्लियर। तो यहां तक लाकर इसे छोड़ दो, देन सेकेंड हैंड आता है, सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड तो 60 सेकेंड होता है, तो 2π/TS, सो इट विल बी इक्वल टू 2π/60, डन। तो आपको जो रिलेटिव चाहिए ना दोनों के बीच में, ओमेगा रिलेटिव, तो कुछ नहीं, सेकेंड हैंड माइनस आर हैंड कर दीजिएगा मिल जाएगा, सेकेंड हैंड का कितना है 2π/60 माइनस आर हैंड का कितना है 2π/12 into 60 into 60। भाई इसमें से क्या कॉमन निकालोगे, 2π/60 कॉमन निकाल लेना है, इधर 1 बचा, इधर बचा 1/12 into 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यहां पर 2π ऐसे ही रहेगा, डिवाइड में 60, 12 6 72 720 माइनस 1/720, तो ये आपको मिलेगा 2π/60 मल्टीप्लाइड बाय 719/720। अभी ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 1 2 2 3 6 और ये 30, ऊपर बचा 719π। ऑप्शंस में देखोगे तो सभी ऑप्शंस में लगभग 719π दिख रहा है, बचा सवाल डिनोमिनेटर का, 72 into 3 करोगे तो 216 मिलेगा और 20, तो ये मिला आपको आंसर 719π/21600। क्लियर हुआ होगा तो थम्स अप करो जल्दी से, क्लियर है। चलो बढ़ते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, देखिए आराम से पढ़िए क्वेश्चन, कैलकुलेशन जरूर होता है प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन में, बट क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं उसमें। देखो अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ अ सर्टेन वेलोसिटी एट टू डिफरेंट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। एक बॉडी प्रोजेक्ट की गई है सर्टेन मतलब कुछ वेलोसिटी से प्रोजेक्ट की है, नहीं पता तो मान लो यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट की है, एट टू डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, सो दैट हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम। हॉरिजॉन्टल रेंज सेम कब होता है, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिलते हैं, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिलते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मीनिंग क्या होता है, जहां पर रेंज सेम हो वो होते ना, एक तो थीटा होता है और एक होता है 90 minus theta, ऐसे दो एंगल्स मिल रहे होते हैं आपको, ठीक है। तो देखो इफ T1 and T2 आर द टाइम टेकन फॉर अ टू पाथ, मान लो ये एंगल थीटा था तो तब T1 टाइम लगा, ये इतना एंगल था तो T2 टाइम लगा, वो बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ T1 T2। रेंज भी बोला है क्योंकि ऑप्शंस में आपको रेंज के टर्म्स में मिल रहे हैं, तो दो फॉर्मूला लगेंगे यहां पर। टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin theta/g प्रोजेक्टाइल के लिए, रेंज का फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा यहां पर, रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2θ/g। अभी वो प्रोडक्ट पूछ रहा है ना T1 T2 का, तो चलो
T1 हो जाएगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, खत्म। u वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहा है, एंगल्स अलग अलग है ना। और T2 हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी। अभी आराम से देखना, क्वेश्चन इजी है बहुत, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, T1 into T2 करना है आपको, is equals to हो जाएगा 2u sin theta by g। ये तो पहला वाला टर्म हुआ, दूसरा वाला टर्म 2u। मुझे बता sin 90 minus theta क्या होता है, plus cos theta होता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा cos theta divided by g। तो क्या करूंगा अभी, मुझे r का फॉर्मूला मैनेज करना है इसमें, क्यों, क्योंकि ऑप्शंस देखिए r के टर्म्स में मिल रहे हैं, तो r में एक 2 चाहिए, तो एक 2 नहीं चाहिए, 2 by g ज्यादा है मेरे पास, 2 by g बाहर ले लिया, इधर क्या बचा u into u, u square, यहाँ बचा 2 sin theta cos theta, और एक g की जरूरत तो थी r के फॉर्मूला के लिए, ये 2 sin theta into cos theta, इसे मैं लिख सकता हूँ sin 2 theta, हो गया। और इस पूरे टर्म को मैं लिख सकता हूँ r, हो गया मेरा आंसर। सो माय आंसर इज 2r डिवाइडेड बाय g, 2r डिवाइडेड बाय g, 2r डिवाइडेड बाय g मींस ऑप्शन नंबर c इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यस, केस क्रिएशन करेक्ट। क्लियर हुआ है क्या, क्लियर हुआ होगा तो थम्स अप करो, आगे बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन की ओर। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ रहे हैं अभी हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी जो होता है वो जीरो होता है सिंपली, ठीक है। Moves along the circumference of a circle of radius r. अच्छा, circle में move हो रहा है, मतलब circular motion है। Circular motion में आपको याद होना चाहिए, ये जो हमारे kinematical equation होते थे, जादुई formula जिससे हम बहुत सारे question solve करते थे, इसको analogy use कर सकते ना, इसको analogy use करके आप circular के लिए भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, ये यहाँ पे देखो, ये first equation में v final velocity था, तो यहाँ पे angular velocity आता है omega, तो ये हो जाएगा ओमेगा, ए के जगह आता है अल्फा। सेकंड, थीटा इज इक्वल्स टू, जस्ट एक सेकंड रुकना, थीटा एस के जगह आता है ओमेगा, यू के जगह आता है ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वेयर, देन लास्ट वाला आता है ओमेगा एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू ओमेगा आई स्क्वेयर प्लस टू अल्फा इंटू थीटा। चलो क्लियर है, अभी यहां पर क्या बोल रहा है, ये रेस से स्टार्ट कर रहा है, मतलब ओमेगा आई जीरो रहेगा, ओके। आर रेडियस का सर्कल है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी पूछा है, जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा में कंप्लीट करेगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, सबसे पहले टाइम निकालने के लिए थीटा इज इक्वल टू क्या है मेरा, ओमेगा आई इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो यहाँ पे ओमेगा आई तो जीरो है, तो मुझे मिलेगा थीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, तो यार टी चाहिए ना मुझे, टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, टू थीटा बाय अल्फा, एंड यहाँ पे रूट लेना पड़ेगा, सो इट विल बी टू थीटा डिवाइडेड बाय अल्फा का पावर 1/2। क्यों ऐसा कर रहा हूं, ऑप्शंस में देखो ना, 1/2 भी दिख रहा है मुझे, तो ये टी मिल गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। तीन फॉर्मूले याद रखो, एस किससे रिप्लेस होता था, थीटा से, वी ओमेगा से, ए अल्फा से, तो एस इक्वल्स टू आता है आर थीटा, एस इक्वल्स टू आता है आर थीटा, वी इक्वल्स टू आता है आर ओमेगा, ए इक्वल्स टू आता है आर अल्फा।
तो s के जगह क्या यूज करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट के जगह, टोटल डिस्प्लेसमेंट के जगह यूज करेंगे r इंटू थीटा, r इंटू थीटा डिवाइडेड बाय टाइम के जगह क्या आ जाएगा, टाइम, टाइम के जगह आ जाएगा 2 थीटा डिवाइडेड बाय अल्फा का पावर 1/2। तो इसे कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले तो v एवरेज वैसे ही रहने दो, r इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 2^1/2, अल्फा ऊपर आ जाएगा α^1/2 और यहां पे बचा θ^1/2। r बाहर रखो, देखो r बाहर रखा है, ठीक है r बाहर रखा है, देन 2 रहने दो नीचे, 2 को भी वैसे ही रखा है, देन थीटा को भी वैसे ही, थीटा को नहीं रखा है सॉरी अल्फा को रखा है, अल्फा किधर है, अल्फा ऊपर है। अच्छा सबका पावर 1/2 चाहिए, बस थीटा सॉल्व करो, ये 1 था, ये प्लस 1/2 ऊपर चला जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, तो θ^1 इंटू θ^-1/2, तो θ^1/2 आता है, तो ये थीटा बच गया, खत्म हो गया क्वेश्चन, आंसर ही आ चुका है आपका। सिंपल सा कैलकुलेशन था, आर बाहर यस, और पावर में हाफ चाहिए, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा है, अल्फा थीटा, अल्फा थीटा बाय टू, यस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो क्लियर हुआ है क्या, यहां पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है मोशन इन प्लेन, इसके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगभग सारे पीवाईक्यू सॉल्व करवाए, बस कुछ 2-4 क्वेश्चंस बच गए होंगे जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे थे, ठीक है। चलो मजा आया क्या, मजा आया होगा तो थम्स अप करो और वीडियो को लाइक करो जल्दी से, वही तो लाइक नहीं कर रहे, वही तो बोल रहा हूं, चलो तो आज हम लोग यही रुकेंगे, मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ जो कि रहेगा लॉज ऑफ मोशन। बाय बाय, टेक केयर। मॉक टेस्ट, जिनको भी टेस्ट सीरीज देना है वो पीजीएमएन ऐप पर टेस्ट सीरीज चल रही है, वो टेस्ट सीरीज के लिए आप एनरोल कर सकते हो, बहुत कम फीस में आपको बहुत अच्छे और बहुत सारे टेस्ट मिल रहे हैं विद सॉल्यूशंस। वी लव यू सर, थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस, वेलकम वेलकम गाइस। आज मेरे आंसर करेक्ट आए, वेरी गुड। यस, इस चैप्टर से एक कभी कभी दो क्वेश्चन, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगले लेक्चर में।